नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बर्थडे स्पेशल, दिव्या भारती का दीवाना था यह फिल्म मेकर। इन फिल्मों ने बनाया सुपरहिट नई दिल्ली। बॉलीवुड में कई हिट फिल्में दे चुके फिल्म मेकर साजिद नाडियाडवाला का आज जन्मदिन है। साजिद ने बतौर फिल्म मेकर अपने फिल्मी करियर की शुरुआत 1992 में रिलीज हुई फिल्म जुल्म की हुकूमत से की थी। हालांकि साजिद की सिर्फ प्रोफेशनल ही नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही थी। दरअसल साजिद ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या भारती से शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ वक्त बाद ही दिव्या की मौत हो गई थी। दरअसल दिव्या और साजिद की पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब वह गोविंदा के साथ फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग कर रही थी। इस फिल्म के सेट पर गोविंदा ने ही साजिद और दिव्या की मुलाकात करवाई थी, जिसके बाद साजिद रोजाना फिल्म के सेट पर आने लगे और दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। इसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया और 1992 में एक दूसरे से शादी कर ली, लेकिन शादी के 11 महीने बाद ही दिव्या की मौत हो गई और आज तक उनकी मौत का कारण किसी को पता नहीं चला। बता दें, दिव्या ने साजिद के साथ शादी करने के लिए अपना धर्म बदला था और इस्लाम कबूल किया था। इस्लाम कबूलने के बाद उन्होंने अपना नाम सना रख लिया था। दिव्या की मौत का सबसे गहरा असर साजिद पर ही पड़ा था, लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगी में वारदा खान आई और वारदा ने साजिद को साल 2000 में प्रपोज किया, जिसके बाद दोनों ने शादी कर ली। दोनों के दो बच्चे भी हैं। बता दें, साजिद जुड़वा, हर दिल जो प्यार करेगा, हे बेबी, हाउसफुल, अनजाना अनजानी, हाईवे, किक, जुड़वा 2 जैसी कई फिल्म का निर्माण कर चुके हैं। दोस्तों, हमारी हर न्यूज को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।